नमस्कार, मैं मानस मिश्रा ऑल इंडिया नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लखनऊ के काकोरी में क्या हुआ आप सभी ने टीवी पर न्यूज पर देखा, लेकिन आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उस काकोरी वाले उस घटना पर जो आतंकवादियों की मां है उसका क्या कहना है, वो क्या कह रही है, उसकी जुबानी और एटीएस का उस दिन का कारनामा आपके सामने लिखाने जा रहा हूं। अब आप ये बस समझिएगा कि उसकी मां की जुबानी सुना रहा हूं तो उसके मां के दर्द और मां का उनके बच्चों के प्यार को यहां पर मैं दर्शाने जा रहा हूं। आज आपके सामने यहां दिखेगा कि एक आतंकवादी की मां वाकई में ऐसे नहीं आतंकवादी बनता है, उसके परिवार भी उसके साथ देता है। आपको याद करिएगा बिक्रू कांड, जहां विकास दुबे की मां जब वो हत्या करके पुलिस वालों के भागा था तो मीडिया के सामने आती है और वो कहती है कि मेरे बेटे को गोली मार दो, जो भी करना कर दो, वो साफ तौर पे कहती है। लेकिन आज यहां पर इन आतंकवादियों की मां को देखिए साहब, उसकी जुबानी आपसे अनुरोध करूंगा, इस मां से अगर आप सहमत हैं जो आतंकवादियों की है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और आखिर यूं ही नहीं, खास समुदाय के लोग आतंकी बनते हैं साहब, परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो लिए चलता हूं खबर की तरफ, क्या है पूरी की पूरी खबर और क्या कुछ कहा है उसकी मां ने वो आपको बताऊंगा। लखनऊ में जो पकड़े गए थे आतंकवादी, इससे पहले मैं आप पूरी खबर दिखाऊं आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में उसकी मां के बारे में और ऐसे परिवारों के बारे में लिख दीजिए जो आपके बगल में बैठकर। एक कहावत जो है, मुंह में राम बगल में छुरी, जो आपने सुना होगा, वो इस कहावत को ये आतंकवादी जो है वो कहीं ना कहीं सही साबित कर रहे हैं। आपको बता दूं, लखनऊ में पकड़े गए दो संदिग्ध मसीरुद्दीन और मिनराज को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मरियामा स्थित रामलीला मैदान के पास नौबस्ता में पकड़े गए संदिग्ध के आतंकी जो मसीरुद्दीन उर्फ मुसीर है। अब मसीरुद्दीन उस मुसीर की मां से हम सुनते हैं वो उसने क्या कहा है और कैसे अपने बेटे के लिए क्या कुछ कह रही है, क्या प्यार बहा रही है, आतंकी कह रही है, वो समझिए। उसकी मां कहती है, जब वहां पहुंचो तो वहां कहती है, टूटी दीवारें, बिखरा हुआ सामान, हालात कुछ ऐसे थे जैसे किसी मजबूर और मुसीबत के मारों का आसियाना हो। लेकिन साहब, ये आसियाना था वो उस आतंकवादी का जो देश में, उत्तर प्रदेश में मंदिरों को टारगेट कर रहा था और लोगों को मारने का, मासूमों को मारने का, बेगुनाहों को मारने का प्लान कर रहा था। और उसके बाद उसकी मां मरियामा स्थित रामलीला मैदान के पास नौबस्ता में आतंकी मसीरुद्दीन उस मुसीर का घर है। आसपास के रहने वाले यकीन भी नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसे हालात में मुसीर अलकायदा से, आतंकी संगठन से कैसे जुड़ गया। सोमवार को मुसीर और मिनहाज को अहमद को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। एटीएस के सूत्रों के मुताबिक या अन्य दूसरे संगठन के आपस में जोड़ने वालों को इसी शर्त पर जोड़ते हैं कि जिन हालात में रहते हैं वैसे ही रहेंगे, और लो प्रोफाइल रखने का मकसद होता है कि लोगों की नज़रों से बचाना। और यही स्थानीय लोगों ने पिछले कुछ दिनों से मुसीर के घर पर टीन की छत डाली जा रही थी। अब उसकी माँ जो कहती वो थोड़ा सुनिए। संदिग्ध की आतंकी मुसीर की माँ शाहजहां बानो के मुताबिक घर के सभी लोग नाश्ता करके बैठे हुए थे। सुबह के करीब 11:30 बज रहे थे, अचानक एटीएस की टीम पहुंचती है और मुसीर को आवाज़ लगाती है। बाहर जब वो निकलता है मुसीर तो उसका नाम पूछती है एटीएस और फिर उसे ले जाती है अपने साथ। माँ और मुसीर की बेटी पूछने पर एटीएस कमांडो बिना कुछ पूछे बताए छानबीन में जुट जाते हैं। ये कहानी उस आतंकवादी की मां कहती है। आइए बताते हैं, आगे बताते हैं, फिर आपको समझाते हैं, दिखाते हैं वीडियो में कि क्या कुछ इसका पूरे पूरे परिवार का क्या कृत्य है। परिवार का दावा यहां किया जा रहा है कि मुसीर गलत नहीं है, इसलिए आराम से घर पर बैठा हुआ था। उधर एटीएस सूत्रों का कहना है कि घर में प्रेशर कुकर, छर्रे, भारी मात्रा में माचिस की तीलियां, अन्य चीजें बरामद हुई हैं। अब थोड़ा सा आपको रोकूंगा और थोड़ा सा आपसे पूछूंगा, जो माँ का मतलब ये नहीं होता है कि माँ भी कोई औरत है और माँ भी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हो सकती है। और उस माँ को ये नहीं पता था कि घर में कुकर बम बन रहा है,
वन में प्रेशर बम बन रहा है, जो भी बन रहा है, आतंकवादी छर्रे आ रहे हैं, इतने पैसे आ रहे हैं, एसयूवी घर में आ रही है, और आपका बेटे के प्रोफाइल लो प्रोफाइल है, ये पैसे कहाँ से आ रहे थे इस माँ को नहीं पता था। और इस माँ के जब एटीएस पहुँचती है तो ये माँ कहती है कि मेरे बेटे को उठा लिया गया है। आगे बढ़ते हैं साहब, ये माँ का दर्द है, और माँ का दर्द ये है कि बेटे को आतंकवादी बनते हुए अपने घर में सारी चीज़ें हो रही हैं, माँ को ये दिखाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ये माँ की कहानी लाकर सबको इमोशनल अत्याचार करके पूरे देश में आतंकियों को कहीं ना कहीं उसकी माँ को मासूम बनाने की कहानी भी होती है मीडिया की और कुछ तथाकथित चैनलों की, टुकड़े टुकड़े गैंग की। इसलिए माँ ने बताया, आगे बढ़ते हैं, माँ ने बताया कि खदरा इलाके में रहते थे पहले वो, और 9 साल पहले मरियामा नौबस्था में आकर रहने लगे। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा चलाने वाले मुसीर के 3 बेटियां और एक बेटा है। यूपी एटीएस ने रविवार को लखनऊ की काकोरी और दुबग्गा में छापेमारी करके 2 संदिग्धों में मिनराज अहमद और मसूरुद्दीन को गिरफ्तार किया था। दोनों अलकायदा समर्थित आतंकी संगठन अंजार गजबा से भी जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं, आज अभी एटीएस ने बड़ी छापेमारी की है और वहां पर कई बिल्डर्स को कानपुर से उठाया। अभी आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि कौन कौन से हैं। आखिर मैं कह रहा हूं साहब, एक खास समुदाय के लोग ज़्यादा बिल्डर बन रहे हैं, वहां से पैसा कैसे फंडिंग हो रहा था, एटीएस के पास जब जानकारी आई है तो एटीएस ने उस पर भी कार्रवाई की। आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। आपको बता दूं, सोमवार को दोनों की 24 दिन जो आतंकी पकड़े थे उनको रिमांड पर भेज दिया गया था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि दोनों की गिरफ्तारी लोगों को आज न्यायालय में जो पेश किया गया था और उनको 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी, और जिसे कोर्ट ने स्वीकृति कर दी है, और जो 14 दिन की उनको पुलिस कस्टडी में रखा गया। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई भी, कानपुर में छापेमारी के दौरान यूपी एटीएस को बिल्डर समेत 3 संदिग्ध को उठाया गया है। अब पकड़े गए लोगों में की संख्या जो हो गई है लगभग 1 दर्जन हो गई है। इनमें 2 संदिग्ध आतंकवादियों के सिम कार्ड सप्लाई करने की सूचना है। वहीं बिल्डर इनको आर्थिक मदद पहुँचाने का आशंका कर रहा था। बिल्डर के 13 बैंक खातों के बारे में पता चला, इसमें विदेशी पैसा भी आया है। समझिए साहब, तो ध्यान से रखिएगा कि कम से कम आपके आस पड़ोस में कौन है, थोड़ा सा शांति से अपने आप को सूझबूझ के साथ रहिए, क्योंकि एजेंसियां तो काम कर रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है आपके बगल में आतंकवादी हों। लखनऊ के 2 आतंकवादी पकड़े जाने के बाद एटीएस की टीम जाजामऊ और चमनगंज में हुमायूं पेंचगंज में छापेमारी करके 4 संदिग्धों को और उठाया है। इन्हें टीम लखनऊ लेकर रवाना हुई है और एक टुकड़ी यहां रुकी हुई है। देर रात फिर छापेमारी की गई, इसमें चमनगंज से 3 और संदिग्धों को उठाया गया है और उन्हें लखनऊ ले जाया गया है। एटीएस के सूत्रों ने बताया है, उठाए गए 2 एक्टिवेटेड सिम सप्लाई क्या करते थे, इसके अलावा उठाए गए कि युवक के घर बैठे बैठकें होती थी जिसमें जिहाद के लिए युवकों को प्रेरित किया जाता था। इसके अलावा एक इनमें से 1 दर्जन से ज़्यादा सिम सप्लाई किए थे। यहाँ जो लोगों को आईडी पर जारी हुए 3 पतों पर एटीएस पहुंची है, मगर कोई वहाँ पर नहीं मिला है। आपको बता दूं, बिल्डर पकड़ा गया उसके खाते में विदेश से पैसे आए हुए थे। युवाओं को प्रेरित करने के लिए जो बैठकें होती उसके लिए फंड का काम एक बिल्डर करता था, और उसको एटीएस ने आज उठा लिया है। इस बिल्डर के बारे में जानकारी मिली है कि ये उसने हलीम कॉलेज के पास कई बड़े इमारतें बनाई हैं, बिल्डर एग्रीमेंट के जरिए बनाया है। उसे विदेशों से पैसे आते थे। बिल्डर के उठाने के खाती एटीएस ने उसके खाते में 13 बैंकों की जानकारी दी है। इस खातों के विदेशी बैंक जमा किया है। एटीएस के सूत्रों के मुताबिक यह पैसा फ्लैट खरीदने के नाम पर बिल्डर के खाते में डाले गए हैं। हालांकि जांच की जा रही है कि जो पैसा विदेश से आया है उसे खरीदे गए फ्लैट की रजिस्ट्री कराई गई है या सिर्फ कागजों पर फ्लैट खरीदने का नाम दिखाया गया। एटीएस ने बिल्डर के खाते में विदेशों के ट्रांजैक्शन करने वाले की जांच भी शुरू कर दी गई है। बैंक डिटेल्स आधार पर यह पता लगाया जा रहा है कि पैसा भेजने वाला कौन है और बिल्डर से क्या संबंध है। यदि फ्लैट खरीदने के नाम पर पैसा भेजा तो बिल्डर के पास कौन सा उसने फ्लैट दिया, और यदि फ्लैट दिया गया नहीं दिया गया तो पैसा कहाँ खपाया गया। यदि फ्लैट जमीन नाम दिया गया तो पैसा भेजने वाले कारोबार के साझेदार थे। यदि कोई व्यावसायिक रिश्ता नहीं मिला तो बिल्डर की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ सकती हैं। सभी के बैंक खातों के आए पैसों को बिल्डर का हिसाब देना पड़ेगा। विदेशों से आए धन का हिसाब नहीं मिला तो प्रवर्तन निदेशालय भी जाँच से शामिल हो सकता है। एटीएस के सूत्रों द्वारा मुताबिक बिल्डर से पूछताछ की गई है। पता चला है कि उसके खातों में पैसे भेजने वाले कौन लोग आके कहाँ के थे, जिन बिल्डर्स का रिश्ता क्या है, बिल्डरों के विदेश से आए पैसे कहाँ इस्तेमाल किए गए। इस सबको मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस भी दर्ज किया जा सकता है। जांच में यह भी पाया गया है कि एसक्यू के दोनों टीम जो आतंकी नए
इलाकों में कहीं ना कहीं नई सड़क इलाके पर बैठक के साजिश तैयारी कर रहे थे और यहाँ दहशतगर्दी की क्लासरूम भी चलाई जा रही है। यहाँ पर मौजूदा आतंकवादियों के साथियों को, युवाओं को इकट्ठा करके दोनों को वहाँ पर माइंड वॉश करते थे। दोनों आतंकियों को सिलसिलेवार तरीके कई शहर से वहाँ पर आते थे और उसके बाद वहाँ क्लास संचालित की जाती थी। यानी कि एक के बाद एक चीज़ जो खुलासा किए हैं वो साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि ये बहुत बड़ी आतंकी घटना की फिराक में थे, जो कि हमारी UPETS सुरक्षा एजेंसियों ने कहीं ना कहीं इसको अभी तक एक तरह से सुलझा लिया है और अब धीरे धीरे करके छापेमारी करके वहां पर लोगों को उठाया जा रहा है। इस वीडियो को मैं यहां खत्म करूंगा, अनुरोध करूंगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बने रहो इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।